गो फर्स्ट ने एनसीएलटी से अंतरिम मॉरेटोरियम की मांग की है। एनसीएलटी के दिल्ली चैप्टर में गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान गो फर्स्ट ने आग्रह किया कि यह मौजूदा स्थिति से उबर सकती है और इसे सिर्फ मॉरेटोरियम यानी थोड़े वक्त की जरूरत है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ से। अनुवेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे गो फर्स्ट की याचिका पर जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया आज? जी स्वाति, जैसा कि गो फर्स्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो आईबीसी है उसके सेक्शन 10 के अंतर्गत हमको मॉनिटोरियम दिया जाए, जिससे कि हमारी जो ऑलरेडी जो गो फर्स्ट की जो 28 एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, उसमें गो एयर ने ये कहा है कि वो उसमें उनकी गलती नहीं है। PNW जिसने जो कि गो एयर की जो इंजन मैन्युफैक्चरर है, उसकी वजह से वो जो इंजन में फॉल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी 28 फ्लाइट्स ऑलरेडी अभी ग्राउंडेड है और 26 जो है वो फ्लाइंग कंडीशन में है, जिसके लिए कि दूसरे जो इसमें याचिका थे उन्होंने ये कहा कि हम लोग अभी ये चाहते हैं कि क्योंकि ये फर्स्ट डे है ऑफ द सेशन और एनसीएलटी को ये अधिकार नहीं आ जाता है इस मामले में कि वो इसमें इंटरिम मॉनिटरिंग दे सके, जिसके तहत अभी फिलहाल एनसीएलटी ने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है और कुछ समय अभी इंतजार करना होगा जिस पे कि एनसीएलटी का ऑर्डर हमें अभी मिलेगा थोड़ी समय बाद। बिल्कुल अनुवेश, यहां पर गो फर्स्ट ने कहा है कि वो स्थिति से उबर सकती है और थोड़े वक्त की जरूरत की उन्होंने मांग की है। ये टाइम पीरियड के उन्होंने जिक्र किया है कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसकी बात वो कर सकते हैं और गो फर्स्ट की तरफ से जो वो अब इस पूरे मामले में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि वो कैसे स्थिति से उबर सकते हैं, उस पर कोई क्लैरिटी? गो फर्स्ट का ये क्लियर कट कहना है कि 2009 से लेके लगभग 2019 तक गो एयर कभी भी गो एयर हमेशा प्रॉफिट में रही है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग अभी भी हमने कोई भी हमारा जो डिविडेंड देना या किसी को पैसा देना लेन हमारा बाकी नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमको ये 28 फ्लाइट हमको फ्लाई करने का परमिशन मिल जाता है और हमको इंटरिम मॉनिटोरियम मिल जाता है तो हमारा जो कैश इन हैंड और कैश फ्लो की बात करें तो वो हम कर सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दे सकते हैं और इसके अलावा एयरपोर्ट को जो लैंडिंग के लिए पैसा देना होता है या पेट्रोलियम के लिए जो पैसा देना होता है वो हम कर सकते हैं और इस स्थिति से हम उभर सकते हैं, इस स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। ये गो एयर का कोर्ट में कहना था और इसीलिए वो ये चाहते हैं, वो खुद ही आए हैं कि हमको इंटरिम मॉनिटोरियम दिया जाए और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं गो एयर वाले एनसीएलटी कोर्ट को कि हमको प्लीज इंटरिम मॉनिटोरियम दिया जाए जिस के तहत हम इस सिचुएशन से आगे उभर सकें।